भारत तक अब नए अंदाज में। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। ड्रोन पर भारतीय सेना और तमाम भारतीय कंपनियां तेजी से काम कर रही हैं, लेकिन एडवांस तैयारी का नतीजा है कि भारतीय सेना अब इससे एक कदम आगे बढ़कर तैयारी में जुटी है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है, तो सुनिए। अब भारतीय सेना अनमैंड एरियल व्हीकल, यानी जो खुद से या रिमोट से चल सके, वैसे गाड़ियों पर फोकस करने का प्लान बना चुकी है। आर्मी को स्वदेशी कंपनी से ऐसे अनमैंड ग्राउंड व्हीकल चाहिए जो सर्विलांस और रेकी के लिए तो इस्तेमाल किए ही जा सके, साथ ही मौका पड़ने पर घायल सैनिकों को सुरक्षित निकाल सके, साथ ही विस्फोटक ढूंढ के उसे नष्ट करने तक का काम कर सके, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट व्हीकल्स। ये अनमैंड व्हीकल रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक और मैदान से लेकर हाई एल्टीट्यूड एरिया तक काम कर सके, कुछ ऐसी ही तलाश है भारतीय सेना की। इस पूरे मामले पर भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि अनमैंड ग्राउंड व्हीकल टेक्नोलॉजी पर ज्यादा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें स्वदेशी इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी और इंडस्ट्री को हमारी जरूरत नहीं पता है। इसलिए आर्मी अब इंडस्ट्री स्टार्टअप्स इनोवेटर्स को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है और 9 से 14 दिसंबर को बबीना रेंज में अलग अलग स्वदेशी कंपनियां अलग अलग प्रकार के अनमैंड ग्राउंड व्हीकल को दिखाएंगी। ये अलग अलग कैटेगरी के होंगे जो सर्विलांस रेकी से लेकर घायलों को सुरक्षित निकालने तक के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। सेना की किस प्रकार की जरूरत है अब आपको ये भी बता देते हैं। सेना की जरूरत है कि रेकी के लिए दिन के अलावा नाइट विजन कैपेबिलिटी भी हो जो कम से कम 2 किलोमीटर दूर तक कम्युनिकेशन भेज सके। ऐसे अनमैंड ग्राउंड व्हीकल की भी जरूरत है जो मीडियम मशीन गन के लिए प्लेटफॉर्म का काम कर सके, विस्फोटक की पहचान कर सके, उसे नष्ट कर सके, साथ ही कम से कम 500 मीटर दूर से रिमोटली ऑपरेट हो सके। इसकी स्पीड कम से कम 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो और कम से कम 2 घंटे बिना रुकावट के ये काम कर सके। जाहिर तौर पर सेना की जो मांग है वो ये बताने के लिए काफी है कि चीन पाकिस्तान की हरकतों के मद्देनजर रखते हुए सेना अपने आप को न सिर्फ अपग्रेड कर रही है बल्कि चीन पाकिस्तान से खुद को 2 कदम आगे रखने की पूरी तैयारी भी कर रही है। इस डिस्प्ले में 12 कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। ऐसे व्हीकल का प्रोटोटाइप दिखाया जाएगा जो बिना सैनिक के ऑटोनोमस मोड में या रिमोटली कंट्रोल मोड में चल सके, ये रेगिस्तान मैदान पहाड़ और हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेट कर सके। आर्मी को ऐसे अनमैंड व्हीकल की जरूरत है जो 250 से 500 किलो का लोड ले जा सके, 12 घंटे बिना रुकावट के ये कोई काम कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।